यूट्यूब पे बहुत फॉर्म बना देखिए उल्टी सीधी की 2 लाख के लाइव व्हील, 2.5 लाख के लाइव व्हील, 3 लाख के लाइव व्हील। भाई कभी कोई पुलिस पकड़ ले गाड़ी खुले देखे तो आप पता चल रहा है कोई मजबूत बंदा बैठा है गाड़ी में, लगा बंदा तगड़ा ही होगा बैठा है तो अंदर। और अगर रोक भी लिया तो भाई 500 रुपए ज्यादा 1000 रुपए ले लेगा। और मैं बात करता हूँ इंटीरियर कोई दिक्कत नहीं ना स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो अगर थार आपके पास है तो मोस्टली नहीं रोकते गाड़ी आपकी। पीछे बचे पीछे चाहिए किसको होते हैं और क्या चाहिए भाई, वो टोना चाहिए। मैं तो घर सबके पास है, घर वाला घर बनाई रखे, चाचा छत तो है हमारे पास। शौक नहीं आज शौक पूरी पूरा का पूरा करूंगा शौक अपने, लोग देखेंगे चार मुड़के देखेंगे पीछे भाई आप 21 लाख के कैटा ले लो, कोई नहीं देखता भाई 21 लाख के कैटा, बंदा सल्टा से कोई देखता। हेलो भाई मिलबवार, आज हमारे सामने खड़ी हुई है भाई वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग और मोस्ट फेमस एसयूवी जिसका नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक। ये इसका बेस वेरिएंट है जिसके पीछे भाई दुनिया पागल है, दुनिया तो क्या कहूं मैं, जैसे भाई हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनकी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना उनको बस चाहिए तो भाई इस तरीके की है कि बड़ी एसयूवी दिखे स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी, फिर चाहे 15 लाख रुपए में कुछ फीचर आए ना आए, ड्राइविंग डायनेमिक्स आए ना आए, पर गाड़ी में फुल रुतबा वाली और वो वाली फील रहनी चाहिए। तो भाई साहब मैं पूछने वाला हूँ पूरी गाड़ी के बारे में, डिटेल में बात करेंगे भैया कैसी गाड़ी है और क्या कुछ वेटिंग पीरियड है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिंद्रा भाई वेटिंग इस गाड़ी के लिए इतनी ज्यादा है ना कि बस पूछो मत ना, सब लोग कहते रहते हैं बहुत वेट, एक एक साल की 1.5 साल की वेटिंग है, फिर ब्लैक भी बहुत देना पड़ता है। तो शिवम भाई जुड़े हुए आज हमारे साथ, शिवम भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन दो लेते हैं। भाई मेरा शिव त्रिपाठी है, दिल्ली से हूँ मैं फिलहाल। दिल्ली से आया भैया गाड़ी को लेके, अलॉय व्हील वगैरह लगवा लिए, कौन सा वेरिएंट है भाई आपका? भाई बेस मॉडल है, यस बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेस खाली गाड़ी। कितने का पड़ा आपको ये? आपने पड़ी है 15.5 लाख की ऑन रोड, 15.5 की ऑन रोड, यूपी स्टेशन है, टेम्पररी दिल्ली है। हाँ वही तो यार मैं सोचूं अगर दिल्ली होता तो सेम डे नंबर प्लेट लगा के दे देते हैं ना, यूपी छोटा है। तो भाई सबसे पहले ये बताओ जैसे भाइयों का भी ये बहुत ज्यादा ड्रीम रहता है 15.5 लाख रुपए ऊपर ब्लैक कितना दिया महिंद्रा डीलरशिप को? भाई हमने तो कुछ नहीं दिया, ऐसे कैसे क्यों नहीं दिया भाई, वो तो लेते ही लेते हैं जरूर भाई, थोड़े पास जमानत भी अच्छी है भाई, कहने की बात है कि ब्लैक दे देते हैं लूटने वाले, लूट जाते हैं, कहने वाली बात है। अगर आप थोड़े तेज हो बातचीत आपकी अच्छी है स्ट्रांग हो बात करने तो गाड़ी मिल जाती है इजीली, बहुत गाड़ियां इनके पास रखी हुई भाई। थोड़ा यही भाइयों को जरा बताओ क्या बात करनी चाहिए उनसे, पहले थोड़ी जाम पहचान निकालो। अच्छा पहले थोड़ी जाम पहचान निकालो, भाईचारा निकालो डीलरशिप वालों से, डीलरशिप कोई काम करता आपका लड़का वड़का वहाँ पे तो भाईचारा निकालो, उनसे थोड़ा बोला भाई कोई गाड़ी अलॉट होती है तो वो बीती जगह ऐसी लगवा लूँ। मैंने हेडलैम्प ली है और अपना ये पेंट करवाया, मैंने लगाया इसके अंदर 40-50 हज़ार रुपये हमने ऐसी लगवाया, आपको गाड़ी मिल जाएगी इजीली, एक्सेसरी लगवानी पड़ती है। हाँ, 40-25-30 हज़ार 40 हज़ार की एक्सेसरी आपको लगानी ही पड़ेगी। तो मतलब कहने का मतलब आपने हैंड टू हैंड लिया है? बिल्कुल हैंड। तो भाई ऐसा क्या मूड बन गया कि एकदम हैंड टू हैंड स्कॉर्पियो क्लासिक लेने चल दिया? ऐसी 22 तारीख को जय श्री राम था, मम्मी का बर्थडे भी था, हम गाड़ी के शौकीन है बहुत ज्यादा तो ऐसी ले ली, फिर ऐसी ले ली बस शौक शौक में, चाहिए थी स्कॉर्पियो बस घर के अंदर एक। अच्छा जी भाई ये देखो तो 22 तारीख को लिया आपने ये? बिल्कुल भाई, वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया, इसलिए भाई ने बोनट पर जय श्री राम लिखवा रखा है, बहुत अच्छे भाई। तो भाई ये बताओ और कौन कौन सी गाड़ियां हैं फिर आपके पास? स्कॉर्पियो है, थार है, एक्सयूवी 700 है, 2 स्विफ्ट रेड कलर की और अपनी बलिनो। भाई बड़े रिच हो भाई साहब, शौक है भाई गाड़ी का और कुछ नहीं, तभी जाके तुरंत ही जाके शोरूम में से ये निकलवा ली। जो थार और स्कॉर्पियो है ना वो मैंने हैंड टू हैंड लिया है, वेटिंग कभी नहीं करी। कैश नहीं, लोन फाइनेंस, स्टॉक यार्ड जाकर तुम्हारा स्टॉक यार्ड है, बहुत गाड़ी खड़ी रहती है वहां तो घर के पास ही है। देखो भाई शौकीन बंदों की तो यहीं से पहचान हो जाती है, बंदा लेते ही चाहे दिल्ली के हैं चाहे यूपी के हैं चाहे हरियाणा के हैं भाई गाड़ी हो जाएगी जड ब्लैक और डल जाएंगे बड़े बड़े अलॉय व्हील। भाई ये चीज बताओ मेरे को ये दिल्ली वाले भाई ये लगवा तो लेते हैं पर भाई ये ट्रैफिक रूल्स वगैरह और ये जो होते चलान वगैरह नहीं होता क्या इन पे? हम जैसा तो बहुत डरता है। देख लो भाई यही वाली बात है। भाई एक बात बताओ शिवम भाई, हम जैसे तो एक पीछे का बस ये करवा लें ब्लैक, उसमें भाई पुलिस 10-10 हज़ार रुपए का चलान काट देती है, आपका क्यों नहीं काटती है बताओ? भाई थोड़ी बातचीत अच्छी है, बाकी ऊपर वाले का हाथ भी अच्छा है हमारे ऊपर या फिर गाड़ी देख के थोड़ा सा वो भी ऐसे कहते हैं कि अरे जान दो इसको यार कुछ ना कुछ इसका। स्कॉर्पियो अगर थार आपके पास है तो मोस्टली नहीं रोकते गाड़ी आपकी, लगा बंदा तगड़ा ही होगा बैठा है तो अंदर। और अगर रोक भी लिया तो भाई 500 रुपए ज्यादा 1000 रुपए ले लेगा, और क्या बात करता हूँ भाई, देखो कितने ऑनेस्ट है यार भाई, सीधी बात है इंडिया में चलता है लिटिल लिटिल ज्यादा, तभी एस लगा रखा है एस लेवल होता है यहाँ पे। अच्छा टॉप मॉडल क्यों ना लिया भैया? बेस्ट ऑफ बनी था 5.5 लाख रुपए देना, 2 लाख रुपए लगाया और टॉप से भी लाख गुना अच्छी लग रही है। 2 लाख रुपए ऊपर लगाए आपने, मोटा मोटा 2 लाख। मेरे ख्याल से इसमें 7 सीटर वगैरह तो आप यूज करोगे नहीं, नहीं भाई, उसके लिए बाकी गाड़ियां हैं 7 सीटर यूज करने के लिए। तो आपने बस शौकीन तौर पे लिया? सिर्फ ये मैं दिल्ली में घुमाने के लिए लिया, अपने आसपास टोना मारने के लिए। देखो बताऊं सच बताऊं आपको एक चीज, महिंद्रा के अंदर ना 20 लाख के बजट के अंदर आपको अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं जो आपको सूट करती हो, जैसे लॉन्डे है हमें ऐसी गाड़ियां सूट करती है, थार हो गई, एन हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, तो हमारे 20 लाख में अच्छी गाड़ी को कोई दिखी नहीं, 5.5 लाख की गाड़ी मैंने ये ले ली, इसमें कैटा भी ले लेता मैं लेने को। तो फीचर चाहिए किसको होते हैं और क्या चाहिए भाई, वो टोना चाहिए हमें तो आप वो वाले हो फीचर, मैं भाई इसीलिए कहता हूँ सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब जैसे 15 लाख में
किसी को भैया ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, किसी को फीचर वाली गाड़ी चाहिए, किसी को छोटी गाड़ी चाहिए, किसी को सब कॉम्पैक्ट। भाई देखना 15 लाख रुपए में इतनी बड़ी झोटा लेके चल रहा हूँ। लोग देखेंगे, चार मुड़के देखेंगे पीछे, भाई आप 21 लाख की कटा ले लो, कोई नहीं देखता भाई 21 लाख की कटा, वरना सल्टोस कोई देखता। हर दूसरी गाड़ी है, हर दूसरी गाड़ी है। भाई का काम धंधा क्या है, जरा इस पे प्रकाश डालो। फाइनेंस कर, फाइनेंस का काम है मेरा अपना, फाइनेंस का काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात, पैसा आता रहता है, पीछे से कोई दिक्कत ना आती। वो भाई वही बंदे होते हैं जो स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हैं, राइट भाई, जिनका मस्त सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है कहीं ना कहीं से, उनको एक बार क्लासिक दे दो, थार दे दो, मस्त घुमा जाओ। बचपन में बहुत मेहनत करी जिंदगी के अंदर, तब पापा कुछ भी नहीं था, तो 8 से 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए मुझे, पर आज ये माइंड में सेट थी कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो दिखाना दुनिया को हूँ कोई अपने इलाके में। अच्छा, हर 6 महीने में गाड़ी खरीदता हूँ मैं। अच्छा जी, पहले थार ली 1 से 1.5 साल पहले, उसका 6 महीने बाद मैंने 700 ली, उसके 6 महीने बाद मैंने एल ली अभी, और अभी 4-5 महीने बाद स्कॉर्पियो है ये। हर 6 महीने मिले तो वाह वाह, अब इसके बाद 6 महीने बाद वाला देखिएगा, कोई नई गाड़ी आती है फिर बोलेंगे। रूल बना रखा है हर जगह भाई, देख लो यार, पैसा हो तो ऐसा हो, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात है। घर सबके पास है, घर वालों घर बनाई रखे, चाचा छत तो है हमारे पास। शौक नहीं, आज शौक नहीं पूरा होगा, पूरा करूंगा शौक अपने बुढ़ापे में थोड़ी करोगे। आज पैसा कमाया, कल शादी हो जानी है, बच्चे हो जाएंगे, फिर कौन देखता है। अच्छा, हुई नहीं के शादी वादी? ना भाई अभी ना, अभी तो भाई की हुई है थोड़े टाइम पहले। अच्छा, अभी लेट करना भाई, 2-3 साल है भाई, तब तक बहुत जीना है जिंदगी। काफी इकट्ठा कर रहे हो बरात में जाने के लिए, अपने भाइयों के लिए भी सारे आपकी गाड़ी में लेके चलेंगे बस भाई। ये बहुत बढ़िया सोच लगी मेरे को भाई की। और भाई ने देखो स्कॉर्पियो वाले, मैं कह रहा हूँ ना, लेते ही भाई ये देखना, पेटी होनी चाहिए, ये सब लगना चाहिए, दम होनी चाहिए पूरे एरिया में। चार बंदे मुड़ के देखने चाहिए, पीछे गाड़ी आ रही है कोई, तो भाई देखती है पब्लिक, भाई अंधी देखती है भाई, पूरी अटेंशन ग्रैबिंग बिल्कुल। और जैसे भाई देखो, लोगों की रिक्वायरमेंट में बताता हूँ, किसी को भाई माइलेज चाहिए, किसी को ऑटोमेटिक, भाई को चाहिए मेन गाड़ी से पब्लिक देखनी चाहिए, बताओ। ये भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट यही कर रही थी गाड़ी। मैंने एक्चुअली थाल ली है, लाऊंगा कभी तो मैंने वो भी कंफर्टेबल इसलिए लिया कि छत खोल के घूमूंगा समाज के अंदर, और उसके इंटीरियर मैंने 1.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, थाल के इंटीरियर के अंदर 1 लाख 20 का खर्चा किया, इंटीरियर बनवाया मैंने पूरा कलर वाला करा के, उसकी छत खोल जब घूमो चार पता देखे कि हाँ से थाल कहीं घूमना रही। कितना म्यूजिक सिस्टम वगैरह, कितना क्या कुछ खर्चा आ जाता है भाई सिस्टम में, जो टोटल खर्चा है 50-55 हजार का खर्चा आया। चैंपियन सीरीज बेस्ट ट्यूब डबल बूफर के साथ, आपके दो ये भी चैंपियन के है, स्पीकर ओवल मिड के, और आगे कंपोनेंट ट्यूटर, और ये अलग अलग वा रखे भाई ने। कितने इंच है, कितने लो प्रोफाइल, 22 इंच है ये, कितने के पड़ गए भाई ये? भाई ये मुझे पड़े 1.20 के लपेटे में। 22 इंच, अरे भाई साहब 285/35 R22 की पूरी प्रोफाइल है भाई, इसमें 10 की बच की तो बड़ी लगती होंगी भाई साहब। मैंने कहा ना ये मैंने सिर्फ दिल्ली के लिए ले रखी है बस, आसपास घुमाने के लिए। भाई देखो यार, ऐसे भी भाई भाइयों के शौक होते हैं, इतना भी पैसा होता है भाई पब्लिक पे कि अपना 22 इंच के अलो वगैरह लगवा रखे हैं, फिर चाहे ड्राइविंग में कंफर्ट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गाड़ी सिर्फ ली शौक के लिए है भाई। तो ये भाई कितने के बताए एक बार और बताना इनके, 1.20 के आसपास पड़े विद टायर और अलॉय दोनों चीज, और इसके जो पावर टायर तो देने के बाद मुझे 80 के आसपास पड़े हैं। वो 40 हजार के लिए, वो 35-36 हजार के आसपास पड़े थे मेरे, वापसी लिए उन्होंने, तो भाई 80-82 के आसपास मैंने पैसे दिए, टोटल बिल बना था 80-82 हजार के आसपास। अरे 80 हजार में तो बढ़िया लग रहे हैं यार भाई। भाई यूट्यूब पे बहुत हवा बना रखी उल्टी सीधी कि 2 लाख के लाइव व्हील, 2.5 लाख के लाइव व्हील, 3 लाख के लाइव व्हील, इतना होता नहीं है, सच्चाई बताऊं मैं आपको, आप पूरी मार्केट घूम लो यही रेट चल रहे हैं। तो ये असली इनक्यूबस वगैरह के अलॉय हैं भाई, असली का तो हमें नॉलेज तो इतनी है नहीं, पर जो मार्केट में बिक रहे हैं रोलबैक के अंदर हर दुकान पे ये भाई अलॉय मिल रहा है, टायर जो है वो चाइनीज है। और शिवम भाई 22 इंच के फिट हो गए इसके अंदर आराम से, या कुछ कटिंग वटिंग करनी पड़ी? बहुत दिक्कत आई थी पहले स्टार्टिंग में, कि पहले तो मैं यहां पूरा बम्पर काटना पड़ा इधर से, उसका अच्छा इधर से भी कटा, पीछे से भी कटा, पूरी बॉडी कटी है ये भी, हां लोहे की बॉडी होती है पीछे, ये पूरी कटी है पीछे की। अच्छे, तो मतलब अब नहीं हटता, पर अब भी हल्का फुल्का का झटका पड़ता है कभी, टायर जब ऊपर आता है ये कभी बाहर निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, जब टायर ऊपर झटका लगा, शॉकर वॉकर लगा, कोई गड्ढा आ गया, तो टायर ऊपर आता है पूरा आपका बाहर निकल जाता है। तो मतलब आपने 7 दिन पुरानी गाड़ी कटवा दी अलॉय के चक्कर में? भाई बिल्कुल कटवा दी भाई। ये 22 इंच के अलॉय स्कॉर्पियो में भैया पूरा इन्होंने सारा ओपन करवा दिया पूरा सिस्टम। हाँ भाई देखो, अब भी हल्का पतला सा ही बच रहा है बस। ये 22 इंच सपोर्टेड तो नहीं है स्कॉर्पियो में? फिर भाई सपोर्टेड तो नहीं है, है ना, तो अगर ऐसे रो में तो नहीं कटवाना, एडजस्टमेंट करवा लो। 24 इंच लगवाने गए थे यहाँ पे, 24 इंची, हाँ पहले शॉक 24 इंची का था हमें, जब मैं देखा शॉक उठाने पड़े गाड़ी बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल चलती ही नहीं, फिर वो गाड़ी खड़े शो पीस जाता है, फिर नहीं है, फिर हम 22 इंची पे आ गए उसके बाद। तो वैसे मन 24 का था, मन 24 का था, फिर हम 22 में बाद में आए हैं। गाड़ी चलाने भी तो थोड़ी बहुत भाई, जो आपने लाइव देख लो गाड़ी के अंदर 7 दिन बाद नहीं हुआ, जिस दिन हमने गाड़ी ली है 22 तारीख को, 22 की शाम को ही बम्पर कटवा के अपने लाइव लगवाए उस दिन ही, मतलब उसमें शील्ड रिम में चलानी नहीं थी गाड़ी, नहीं चलानी ही नहीं थी भाई, पूरी गाड़ी मॉडिफाई 22 तारीख को ही हुई है हमारी।
अच्छा जी, पूरी गाड़ी उस दिन तो बंद नहीं था होगा सब मार्केट वगैरह सब? भाई बंद थी तभी तो अलग अभी लगवाई, तो फिर माइंड में था कुछ और भी अच्छे लगवाएंगे 24 इंच 26 इंच जाएंगे। अच्छा ये ऐसे लगवा ले जो मिला वो लगवा ले बस, हम गए हमने ये लगवाया हमें पसंद आ चुके थे ये, देखते पसंद आ गए मुझे गाड़ी के अंदर, पहला भाई यही फिट होंगे अब क्योंकि गाड़ी बिना स्टील रिम पे नहीं जाएगी, घर अलॉय व्हील पे जाएगी। और ये भी भाई वो पुलिस लाइट लगवा रखी लगती है, साइड लगवा रखी है मैंने वहाँ, फुल इलीगल गाड़ी बना रखी है जहाँ मुझे लग रहा है। 220 वोल्ट की इसके अंदर, 220 वोल्ट के अंधा कर देती है, कर देती है भाई ये 200 भाई, ये 150 की, ये 150 वोल्ट अपना फॉग लैंप और ये 220 वोल्ट है। महिंद्रा बंद कर देती इस गाड़ी को इनके आने के बाद, कैसा लगता आप जैसे भाइयों को घर का? सारे लोग सपने टूट जाते भाई। हाँ, ये तो है, बहुत सारे लोग सपने टूटते फिर भाई, फिर तो मैं भी होता अगर बंद हो जाती तो बहुत आपको दर्द होता है ना। बिल्कुल भाई, अब ऑन करो भाई गाड़ी को जरा ना, देखो भाई इसका इंटीरियर वगैरह, भाई ने बेसिक काम ही करवाया वैसे अंदर से, तो अपना ये लगवा रखा है। इंटीरियर कोई देखता नहीं ना स्कॉर्पियो का, कलर वाले कत्ते चेंज करा दो उसके, कोई एम्बिएंट लगवा दो, कौन देख रहा है अंदर, स्कॉर्पियो तो बाहर के लिए बनी है भाई। ये तो है यार, पब्लिक अपने साइड हट जाती होगी भाई, भाई बिल्कुल। और ऐसे लोग लगवा लिए तो भाई अटेंशन ग्रैबिंग जो चीज आपको चाहिए मेन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही फुलफिल कर रही है, फिर इसमें बॉडी रोल वगैरह बहुत ज्यादा है। पर ये है कि जैसे टायर बड़े करा दिए बॉडी रोल खत्म हो चुका है, बहुत खत्म हो गया, जब इसमें कंपनी से लाइव 17 इंच के आए थे तब मैं नई डिलीवरी लेके आया था, तो बहुत ज्यादा बॉडी रोल था, अभी टेंशन था बॉडी रोल होगी गाड़ी हिलेगी डुलेगी, जब मैंने 22 इंच में लाइव लगवाया काफी ज्यादा गाड़ी स्टेबल हो गई है। माइलेज में तो फर्क पड़ा होगा 10 के आसपास भाई, ये क्या चीज है भाई, ये चीज का थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये व्हाट इज दिस, लगाना है इसको कैसे यूज करते हैं भाई? मैंने बहुत गाड़ियों में देखा ये, पता नहीं क्या सिस्टम रहता है, ये ऐसे लग जाता है, दिख जाता है भाई बाहर का भाई, इधर मैंने जैसे कब के खड़े फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं तो गाड़ी पूरी ब्लैक ब्लैक दिखनी चाहिए, तो उसके लिए रखा है बस लोग के लिए ले रखा है, कहीं खड़ी है तो लगा के खड़ी करो तो चार बंदे देखेंगे वो जेट बैग वाली गाड़ी खड़ी है, मतलब मेन जो मेरे को समझ आ रहा है देखनी चाहिए लोगों को, मुद्दा क्या दुनिया देखे भाई, हाँ मैं घूम रहा हूँ गाड़ी के अंदर स्कॉर्पियो में भाई। शिवम भाई की स्कॉर्पियो क्लास एक जा रही है, पहचान बन जानी चाहिए गाड़ी से, पब्लिक देखे मुझे ना देखे पर गाड़ी को देखे, गाड़ी को देखे भाई, बड़ी मेहनत से खरीदी है यार, देखनी चाहिए। इसका क्या यूज है यार भाई, ये जो रख रखा है आपने, व्हाट इज दिस? सेफ्टी के लिए। किस चीज की सेफ्टी भाई, स्कॉर्पियो वालों को सेफ्टी की जरूरत? भाई कभी कोई पुलिस पकड़ ले गाड़ी खुलकर देखे तो आप पता चल रहा है कोई मजबूत बंदा बैठा है गाड़ी में, भाई चलान वालान नहीं काटते इन चीजों के ऊपर, वो तो आगे टेंशन लगे मैं गाड़ी क्यों चलाए, फिर तुम घर में खड़ी कर दूंगा घर पे। अच्छा डर ही नहीं है, मतलब है फुल इलीगल भाई साहब, फुल इलीगल बंदे भाई साहब हमारे। और ये क्यों रख रखा है भाई इतने इन सब के आगे, ये जिसे हम गाड़ी लेके आए ट्रिप लेके आए थे सिस्टम था नहीं गाड़ी के में, अब घुमाए कैसे लोगों को दिखाया गया गाड़ी लेके आए, तो भैया इसलिए हमने बजाया गाने लिया शीशे के पास, चल भाई बजन दे इस गाड़ी को, तब भी दिखाना है कि ये देखो गाड़ी लेके आए यार, बजन लगे मेरे आज गाड़ी में नई गाड़ी है मेरी। और किसी को रिकमेंड करते वैसे तो भाई जिनको ये लेनी है उनको रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं है, पर किसी का 15-1 लाख रुपए तक का बजट है तो गाड़ी बेस्ट है, जिसको अगर सिर्फ अपने लिए चाहिए फैमिली के लिए नहीं चाहिए। फैमिली के लिए क्यों नहीं, ये तो 7 सीटर है ना बड़ी, अपना सीटर है पर इसमें फीचर्स नहीं है, पहली बात तो कुछ भी फीचर है, खाली गाड़ी खाली डिब्बा है समझ लो अंदर से, तो इसलिए मैं मना, फैमिली को फिर फीचरों से क्या मतलब ढोने के लिए फैमिली को, स्कॉर्पियो ले लेगा बंदा कितने क्या 17-18 लाख की बेस मॉडल मिलता है, उसमें से ज्यादा फीचर है आपकी एक्चुअली 700। भैया आप तो रिच हो ना, आप तो कहोगे की फैमिली के लिए भैया इन्हें ले लो, ये वो भैया टोरा मारना वो गाड़ी ले लो यार। हाँ भाई, भाई की थोड़ी अलग पर्सनैलिटी है, भाई को अपने लिए मेन ये चाहिए, समझ रहे हो ना आप, भाई को उस लेवल के से गाड़ी को पसंद है। और भाई को मेरे ख्याल से भाई जैसे इसकी फिट एंड फिनिश देखो भाई कितनी नकली रहती है, ये देखना कितनी नकली फिट एंड फिनिश है भाई साहब, हद ही कर दी महिंद्रा ने, इसलिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा यार। भाई ये जो गत्ते है ना ये भी कार्डबोर्ड होता है उससे गत्ते है, ये प्लास्टिक नहीं है ये भी। तो कहते ना तभी तुम कह रहे फैमिली के लिए गाड़ी नहीं है, अगर फैमिली हो तो फिर अच्छी गाड़ी ले लो, फिर 700 या N देख लो, बस ये ऐसा जुगाड़ बना रखा है भैया कि आराम से भैया ले लो, आपने मॉडिफाई करवा के हवाबाजी काटो 10 साल दिल्ली के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर्पस की केवल गाड़ी है। तो शिवम भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाइयों के साथ, थैंक यू भाई अपने वीडियो लेने का मौका दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है भाई के स्कॉर्पियो क्लासिक, जिसको भाई बड़े शान से बड़े प्राउड से अपना मस्त हवाबाजी के लिए चलाते हैं, मेन प्योर हवाबाजी होनी भाई, पूरा ऑनेस्ट हवाबाजी होनी चाहिए गाड़ी से, इसलिए क्लासिक लिए स्पेशल, वरना और भी इनके पास गाड़ियाँ खूब खड़ी हो रही हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।